हेलो एंड वेलकम टू देश में। तो आज के इस एंड्रॉइड सेशन के अंदर हम देखने वाले आज जो हमारा न्यू टॉपिक उसका नाम है रिसाइक्लर व्यू। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कि लिस्ट व्यू किस तरह से डिक्लेरेशन होता है, लिस्ट व्यू का यूजेस क्या होता है, साथ ही साथ हमने देखा था कि कस्टम लिस्ट व्यू किस तरह से बना सकते हैं। लिस्ट व्यू हम ज़्यादातर एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा कॉमन व्यू है उसको डुप्लीकेशन ना करना पड़े। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने एडेप्टर से उसको कॉपी पेस्ट करवा लीजिए। मतलब कि लिस्ट व्यू के अंदर अगर हमें कोई व्यू मल्टीपल टाइम यूज़ करना है तो हम लिस्ट व्यू का यूज़ करके उसके अंदर एरे पास आउट करके हम मल्टीपल टाइम उसको शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादातर लिस्ट व्यू यूज़ होता है जो आपके काम में जो भी रुकावट आ रही है वो रुकावट को सॉल्व आउट कर देता है। जैसे कि आपको डायनामिक व्यू बनाना है, डायनामिक मतलब कि आप जितना भी डेटा डाले उस हिसाब से व्यू आगे आगे बढ़ना चाहिए। कॉमन आपके एप्लीकेशन की बात करूँ तो आप सभी कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन से वाकिफ होंगे, तो कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन के अंदर जितने भी आप अपने कॉन्टैक्ट ऐड करते हो उस हिसाब से नीचे एक न्यू न्यू आइटम जो है क्रिएट करके मुझे मिल जाती है। तो वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है कि आप जितनी भी बार अपने आइटम के अंदर डेटा एंटर करवाते हो तो वो डेटा परमानेंट सेव हो जाता है। अब वो डेटा परमानेंट सेव हो जाने के बाद वो आपको लिस्ट के जरिए से वो डायनामिकली शो करवाता है। डायनामिकली इसलिए बिकॉज ऑफ हमें मान लीजिए कि कोई न्यू डेटा हमने एंटर किया है तो उसके लिए हमें और कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हमारी जो आइटम है वो बन के आ जाती है, तो उसे हम डायनामिकली बोलते हैं। अगर स्टैटिक है तो आपने 5 विजिट लिए तो वो 5 ही आप रख सकते हो, उसमें से आप कोई न्यू और या फिर कोई एक रिमूव नहीं कर सकते। ओके, तो उसको हम डायनामिक व्यू नहीं बोलेंगे, उसको स्टैटिक व्यू बोलेंगे। और आज का जो सेशन है वो हमारा है रिसाइकल व्यू। तो रिसाइकल व्यू मतलब सबसे पहली क्या चीज, सेशन का नाम, हमारा टॉपिक का नाम है रिसाइकलर व्यू। अब रिसाइकल व्यू मतलब क्या, तो जैसे कि हमने लिस्ट व्यू देखा तो लिस्ट व्यू का अपडेट वर्जन मतलब कि है रिसाइकलर व्यू। तो लिस्ट व्यू के अंदर हमारा क्या काम होता था सबसे पहली चीज, तो लिस्ट व्यू जब भी हम बनाते थे तो वो हम कस्टम हमारा व्यू सेटअप करवा सकते थे, मल्टीपल आइटम को अपने एरे के हिसाब से क्या करवा सकते थे, कॉपी पेस्ट करवा सकते थे। उसकी बजाय आपको अगर अब लिस्ट बनाना है तो आप अब क्या यूज करोगे, लिस्ट व्यू की जब बजाय रिसाइकल। तो सबसे पहली चीज, लिस्ट व्यू और रिसाइकल व्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं है, व्यू के अंदर सब कुछ चेंज दिखेगा। मतलब कि जैसे कि आपने लिस्ट व्यू का आउटपुट देखा था वैसे ही हमारा जो आउटपुट रिसाइकल व्यू के अंदर सेम इट इज आ रहा है। तो आपको अभी ये लग रहा हो कि आंसर सेम है, मतलब कि आउटपुट दोनों का सेम है, यूजेज भी सेम है, तो दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, या फिर हमें कौन सा यूज करना चाहिए, लिस्ट व्यू या फिर रिसाइकल व्यू, या फिर लिस्ट व्यू है तो रिसाइकल व्यू की हमें जरूरत क्यों। तो ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं। सो सबसे पहली चीज कि जब भी मान लीजिए कि आप लिस्ट व्यू बनाते हो, जैसे कि मैंने कोई एक लिस्ट व्यू ले लिया जिसके अंदर 100 मेरे आइटम्स है, मेरे पास 100 डेटा है, तो मेरी कितनी आइटम जनरेट होगी, 100 आइटम, 100 डेटा इज इक्वल टू 100 आइटम क्रिएट होगी। तो जितना मेरे पास डेटा होगा उतनी मेरे पास लिस्ट आइटम जनरेट हो जाएगी। बट अभी फिलहाल जब भी आप एप्लीकेशन ऑन करते हो और आप जैसे ही रन करवाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 100 आइटम एक ही साथ क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे इश्यू क्या है, सबसे पहले अभी आपकी स्क्रीन पे ओनली फॉर 10 आइटम एक ही साथ दिख रही है, तो आपको एग्जैक्टली अभी जरूरत किसकी है, ओनली फॉर 10 आइटम की। बट बन के कितनी आ रही है, 100 आइटम, उसमें से 90 आइटम की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज हम जब भी स्क्रॉल करेंगे तो हमें बाकी की 11 से लेके 20 तक, 20 से लेके 21 तक जो भी हमारी आइटम होगी जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे वैसे वैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी। बट अभी क्या हो रहा है कि जब भी आप एप्लीकेशन रन करवाओगे तो एक ही साथ आपकी 100 आइटम जनरेट होकर आ जाएगी, अगर आपको जरूरत है तो भी, अगर नहीं जरूरत है तो भी, बिकॉज ऑफ आपने रिस्क व्यू लिया है तो वो आइटम एक ही साथ बनने तो वाली। तो पहली चीज, अभी तो यहाँ पे मान लीजिए कि 100 आइटम है, आगे जाके डेटा बढ़ भी सकता है, जैसे कि 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। तो उसी के साथ साथ आपकी एक साथ कितनी आइटम बनेगी, 1 लाख।
तो यूजर मान लीजिए कि 1 लाख आइटम तो स्क्रॉल करने वाला है भी नहीं, यूजर 1 लाख आइटम तो पहले से ही स्क्रॉल नहीं करेगा, तो 1 लाख आइटम की पहले तो जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करना चाहे वैसे वैसे हमें हमारी आइटम जनरेट करवानी चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें लगना होगा रिसाइकलिंग, बिकॉज यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है वो लोड बढ़ जाएगा उसका, बिकॉज हमें जरूरत है 10 आइटम की, ऑलरेडी हमारे पास डेटा 1 लाख है, तो भी साथ ही साथ हमें 1 लाख आइटम एक ही साथ मिल जाती है। तो 1 लाख आइटम आप एक साथ अपने एप्लीकेशन में लोड करवाते हो तो एप्लीकेशन ऑलवेज आपकी हैंग होने वाली है, लैग होने वाली है, मतलब कि जब भी आप स्क्रॉल करोगे तब आपका व्यू के अंदर कई डिफरेंशिएशन देखने को मिलेंगे, कई हैंग और लैग के इश्यू आपको देखने को मिलेंगे। आप जैसे अमेजोन या फिर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के अंदर तो कितनी सारी पोस्ट है जो एंडल स्टॉप है, वहाँ पे आप स्क्रॉल करते ही जाएंगे वैसे वैसे आइटम तो वो बन के आनी चाहिए। तो मान लीजिए कि फेसबुक के अंदर 1K डेटा है या फिर 1 करोड़ डेटा है, तो वो एक ही साथ 1 करोड़ इमेज को लोड करवाएगा तो कितनी एप्लीकेशन हैंग होगी। तो एग्जैक्टली हमें हमारे व्यू के अंदर सबसे पहले दो फोटो मतलब कि दो आइटम दिख रही है, तो पहले तो हमें दो आइटम ही लोड करवानी है। जब मैं स्क्रॉल करूंगा तब ही मुझे तीसरी आइटम लोड होके मिलनी चाहिए, तब तक मुझे तीसरी आइटम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि फेसबुक जो बनाया वो लिस्ट व्यू से बनाया, तो क्या होगा, एक ही साथ जो जितनी भी डेटा है जितने भी फोटोज है एक ही साथ लोड हो जाए, तो वो आपकी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली हैंग कर देगा, फ्रीज कर देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा व्यू जो है वो रिसाइकल करना है, हमें 1 टाइम 1 लाख बार या फिर 100 बार हमारा व्यू नहीं बनाना है, हमें सिंपल 10 ही आइटम बनानी है। जितना जितना भी हो, जितनी आपकी स्क्रीन में डेटा दिख रहा है उतना ही आपको डेटा क्या करवाना है, बनाना है। तो अब हमें यूज करना है रिसाइकल व्यू। तो रिसाइकल व्यू इसी जो इश्यू था, जो हमारा लैग का इश्यू था, जो आइटम एक साथ हमें क्रिएट करके मिल रही थी, वो इश्यू को हैंडल करने के लिए एंड्रॉइड में अब हमारा न्यू व्यू आ चुका है, उसका नाम है रिसाइकलर व्यू, मतलब कि उसका नाम भी ऐसा है रिसाइकलर और व्यू। व्यू को क्या करेगा, वो रिसाइकलर करेगा। तो यहाँ पे हमें रिसाइकल व्यू मिल जाता है। रिसाइकल व्यू एग्जैक्टली क्या काम करता है सर, कि अपना जो व्यू है वो रिसाइकलर करता है, मतलब कि हम जो व्यू जो हमारा व्यू ऑलरेडी बन के आ रहा है वो व्यू को हम ज़्यादातर यूज नहीं करेंगे, जो भी वो ऑलरेडी बना है वैसा ही व्यू हम करेंगे, मतलब कि जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर से आइटम डिस्ट्रॉय होगी नीचे से न्यू बन के आ जाएगी, मतलब कि आपके पास मोबाइल के अंदर 10 आइटम ही जनरेट हुई है तो वो 10 ही रहेगी, डेटा कितना भी हो चाहे वो सिंपली 10 आइटम ही शो करवाने वाले। तो ये खास करके याद रखना है कि आप कितना व्यू रिसाइकल करवाना है या फिर आपको व्यू जो लिस्ट व्यू के थ्रू डिजाइन करना है। ओके, तो यहाँ तक हम देखते हैं तो रिसाइकल व्यू हमारा हो गया। रिसाइकल व्यू किसे किया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसाइकल व्यू। तो रिसाइकल व्यू के अंदर भी आपको इंडक्टर की रिक्वायरमेंट पहले रहेगी, मतलब कि जब भी आप लिस्ट व्यू बनाते हैं तो वैसे ही यहाँ पे रिसाइकल व्यू के अंदर भी आपको क्या रहेगी, रिसाइकल व्यू एडप्टर की रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे एडप्टर जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो आइए देखते हैं रिसाइकल व्यू किस तरह से जनरेट होता है। जैसे कि हमने लिस्ट व्यू लास्ट टाइम देखा था, तो रिसाइकल व्यू के अंदर बिल्ट इन कुछ भी नहीं चलता है, आपको कस्टम ही बनाना पड़ता है। जैसे कि लिस्ट व्यू के अंदर हमने बिल्ट इन एडप्टर का यूज़ किया था, वो एडप्टर था एरे एडप्टर। वैसे यहाँ पे रिसाइकल व्यू के अंदर कोई भी बिल्ट इन एडप्टर हमें नहीं मिलता है, हमें कस्टम एडप्टर ही रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने जो XML है उसके अंदर मैं सबसे पहली चीज रिसाइकल व्यू को जनरेट कर देता हूँ, रिसाइकल व्यू, और यहाँ पे कर देता हूँ मैच पेरेंट, मतलब कि मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन के अंदर मुझे क्या दिखना चाहिए, मेरा रिसाइकल व्यू है वो मुझे दिखना चाहिए। और उसकी यहाँ पे ID बाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ RV व्यू, और अब ID लेने के बाद मैं ID को क्या कर देता हूँ, अभी ID को बाइंड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ले लेता हूँ रिसाइकल व्यू,
आर वी व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी, और यहाँ पर ले लेता हूँ आर डॉट आई डी डॉट आर वी व्यू। ओके तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को मैं ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे लोकली काम नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ग्लोबली मेरे वेरिएबल को रिसाइकल व्यू को डिफाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि हम लिस्ट व्यू के अंदर किया था, जो भी आपको लेना है, लिस्ट व्यू लेना है, ऑटो कम्प्लीट टेक्स्ट व्यू लेना है, जो भी लेना है, वो आप सबसे पहले अपने एक्सएमएल फाइल में डिफाइन करें। अब एक्सएमएल में डिफाइन करने के बाद उसकी आई डी बाइंडिंग हमें रिसाइकल व्यू में करनी है। सभी को पता है आई डी बाइंडिंग क्यों रिक्वायरमेंट है। कॉमनली कंपनी के अंदर क्या होता है कि जब भी आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम करते हो, तो कोई भी सेट कंटेंट व्यू के अंदर डायरेक्टली कोडिंग नहीं करता। जैसे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ भी कोडिंग करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ही लिख देते, बट ये कॉमन, ये गलत चीज़ है। तो एक डेवलपर की हैबिट होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक कोडिंग स्ट्रक्चर भी आपका होना चाहिए जो मेंटेनेबल हो, और किसी को भी रिस्किन करना हो तो अच्छा हो। तो उसके लिए जो भी कोई डेवलपर या फिर इंडस्ट्री में जो कोई बंदा है, वो क्या करेगा कि जो भी हमें आई डी बाइंड करना है, तो सबका एक यूडीएफ डिफाइन करता है। जैसे कि मुझे आई डी बाइंड करनी है, तो डायरेक्टली नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे एक मेथड बना लूँगा वॉइड बाइंडिंग। मतलब कि ये बाइंडिंग मेथड के अंदर हम सारी की सारी क्या करेंगे, आईडी बाइंडिंग ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बाइंडिंग मेथड ली ली। अब बाइंडिंग मेथड में मैं जो भी एक्सएमएल में लेना हो, उसकी सारी आईडी बाइंडिंग इसमें ही होने वाली है। मतलब कि हम जो आईडी है, वो सारी की सारी आईडी यहाँ पे डिफाइन करें। अब हम क्या करेंगे, बाइंडिंग मेथड को ऊपर कॉल करवाते हैं। तो जो भी कोई इंडस्ट्री में से कंप्लीट करके आता है, तो इंडस्ट्री लेवल इस तरह से होता है, उसका कोडिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी यूडीएफ वाइज और क्लास और ऑब्जेक्ट वाइज डिफाइनेबल होता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि अब मैं थोड़ा सा कोडिंग स्ट्रक्चर जो है मेरा चेंज कर रहा हूँ हमारा प्रोग्राम का, बिकॉज ऑफ हम थोड़ा सा अपडेट लेवल में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरी जो आईडी बाइंडिंग है, वो मैंने बाइंडिंग मेथड के अंदर ले ली। अब दूसरा टॉपिक ये है कि मुझे मेरा व्यू रिसाइकलर करना है। तो सबसे पहले तो मुझे रिसाइकल व्यू करने के लिए मेरा एडप्टर जनरेट करवाना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं मेरा एडप्टर बना लेता हूँ। तो एक्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, मेरा जो क्लास है उसमें अंदर न्यू, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, न्यू करके यहाँ पे ले लेता हूँ जावा क्लासेस, उसके अंदर नाम दे देता हूँ आर वी एडाप्टर। मतलब कि मैं मेरा एडाप्टर क्लास डिफाइन कर देता हूँ। लिस्ट व्यू में भी सेम इट इज, मैंने ऐसा ही किया था, कुछ ना कुछ नया क्लास लिया था और वहाँ पे हमने एज अ क्लास की तरह एडाप्टर को डिफाइन किया था। बट लिस्ट के एडाप्टर की बात करें तो उसको हम इनहेरिट करते थे, बेज एडाप्टर से। खास करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हमें इनहेरिट यहाँ पे बेस एडप्टर से नहीं करना है, बट ये मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ। जब हम लिस्ट व्यू का यूज़ कर रहे थे, तो हम बेस एडप्टर से बाइंडिंग करते थे, जो हमारा है वो एडप्टर बेस एडप्टर से इनहेरिट करते थे। तो बेस एडप्टर क्या करता है कि अपने व्यू को रिसाइकल नहीं करता, अपने व्यू को डुप्लीकेट करता है। जैसे कि मैंने कहा हमें 10 आइटम ही व्यू शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो सारा का सारा जितना भी डेटा उतनी आइटम बना लेगा। कौन सा एडप्टर, बेस एडप्टर। तो अब से तो हमें हमारी आइटम को क्या करना है, रिसाइकलर करना है। तो चलो हमें हमारे आइटम को रिसाइकलर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेस एडप्टर को निकाल देंगे। हम इनहेरिट तो करना है, बट उसके लिए रिसाइकल व्यू अपना एडप्टर देता है, जिसको बोलते हैं रिसाइकल व्यू डॉट एडप्टर। खास करके ध्यान देना है यहाँ पे कि सबसे पहले हम बाइंडिंग करते थे, इनहेरिट करते थे बेस एडप्टर से, अब हमें इनहेरिट करना है रिसाइकलर व्यू डॉट एडप्टर से। दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे डॉट एडप्टर लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे हमारे सजेशन के अंदर मिल जाता है एडप्टर के पीछे VH। तो ये VH का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या देना होगा VH। तो VH का मतलब पहले तो क्या है, तो VH मतलब कि व्यू होल्डर। तो सबसे पहले रिसाइकल व्यू एडप्टर को व्यू होल्डर चाहिए, बिकॉज ऑफ रिसाइकल व्यू के अंदर रिसाइकल होता है, वो रिसाइकल करने का काम करता है व्यू होल्डर क्लास। तो सबसे पहले आपको एक अलग से क्लास बनाना पड़ेगा, और उसका नाम है व्यू होल्डर क्लास। तो खास करके से मैं इनर क्लास डिफाइन कर देता हूँ, क्लास एक उसका नाम दे देता हूँ व्यू डेटा, जो व्यू होल्डर के अंदर काम करेगा या फिर व्यू होल्डर जैसा काम करेगा उसको इनहेरिट करता हूँ व्यू होल्डर से। मैंने मेरे क्लास को किससे इनहेरिट किया, व्यू होल्डर से, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर अल्टर एंटर करते ही मुझे कंस्ट्रक्टर मिल जाता है। यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, तो मेरा ये व्यू होल्डर जो क्लास है मेरा डिफाइन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे ब्रैकेट्स है उसके अंदर मुझे वी एच, मतलब कि मेरा व्यू होल्डर का नाम मेरा है व्यू डेटा। तो यहाँ पे मुझे व्यू डेटा को क्या करना होगा, असाइन करना होगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं।
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एरर आ रही है, तो आपको पता ही है कि इसको कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट मेथड करनी होगी, तो यहाँ पे अल्टर एंटर करते हैं और इंप्लीमेंट्स मेथड। तो लिस्ट व्यू के अंदर हमें कॉमन चार मेथड की रिक्वायरमेंट होती थी, जिसका नाम है गेट आइटम आईडी, गेट आइटम व्यू, गेट व्यू और गेट काउंट। और यहाँ पे जो है वो मेथड का नाम चेंज हो चुका है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। यही चार मेथड को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। तो हमने ये हमारा एडप्टर तो बना लिया है, बट एडप्टर के अंदर अभी हमने कुछ भी डेटा फिल आउट नहीं किया है। अभी जो हमारी गेट काउंट, मतलब कि उसके अंदर हमें कितनी आइटम जो है वो कम्प्लीटली हमें रिसाइकल करनी है, वो यहाँ पे बना लिया। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा, तो मुझे कितनी आइटम रिसाइकल करके मिल जाएंगी, 10। वो आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आइटम बनेगी और कितनी रिसाइकल होंगी। तो यहाँ पे हमें फिक्स कोई भी चीज़ नहीं देनी, हमें भी पता है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे है उसकी लेंथ यहाँ पे टारगेट आउट करेंगे। तो मेरा जो एरे है वो मुझे मिल रहा है मेन एक्टिविटी के अंदर, उसको मुझे ले जाना है कहाँ पे, मेरे रिसाइकल व्यू के अंदर। तो खास तरीके से मुझे क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आरवी एडप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ आरवी एडप्टर, आरवी एडप्टर इज इक्वल टू न्यू आरवी एडप्टर, और उस आरवी एडप्टर के अंदर सबसे पहले कंटेक्स्ट पास ऑन करना होगा, उसके बाद सिटी जो है हमें पास ऑन कर लेते हैं। दूसरी चीज, अभी भी हम गलत कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमने कहा था कि हम यूडीएफ के अंदर काम करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ सेटअप आरवी करके, एक यूडीएफ जनरेट करवा लेता हूँ और उसके अंदर ही हम आरवी का कुछ ना कुछ कोडिंग जो है वहाँ पे करेंगे, तो दोनों सेम ही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एरर आ रही है, बिकॉज ऑफ मुझे ये डेटा ले जाना है मेरे आरवी के अंदर, पर आरवी में कंस्ट्रक्टर नहीं बना है, तो अल्टर एंटर किया और मैंने यहाँ क्रिएट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है, कंस्ट्रक्टर मिल चुका है। कंस्ट्रक्टर मिलने के बाद वो मुझे ग्लोबल डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी और स्ट्रिंग सिटी दूसरी चीज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्टिविटी इज इक्वल टू मेन एक्टिविटी और साथ ही साथ दिस डॉट सिटी इज इक्वल टू सिटी। तो यहाँ पे मैंने ये डिक्लेरेशन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेरी सिटी डॉट लेंथ है मुझे यहाँ पे लिखना होगा सिटी डॉट लेंथ, मुझे लिख लीजिए यहाँ पे आइटम काउंट जो है फायर आउट करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो व्यू होल्डर है वो मुझे व्यू, तो हम क्या करते थे कि भाई गेट व्यू के अंदर लेआउट इन्फ्लाटर वाला कोड करते थे। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर, खास करके याद रखना है मेरे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, मेरा जो व्यू बाइंडिंग है वो मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ व्यू, व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लाटर डॉट फॉर्म, फॉर्म के अंदर हमें डालना है कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब कि मेरा एक्टिविटी डॉट इन्फ्लेट, इन्फ्लेट के अंदर लिखना है आर डॉट जो भी हमारा लेआउट है, लेआउट डॉट मेरा लेआउट अभी बना हुआ नहीं है तो कॉमा कर देता हूँ, पेरेंट और यहाँ पे लेना है फॉल्स। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लेआउट का नाम दे देता हूँ आइटम, तो यहाँ पे मेरे आइटम नाम की अभी लेआउट नहीं बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे अभी एरर आ गई। यही हम कोडिंग लिस्ट व्यू के अंदर बात करें तो गेट व्यू के अंदर करते हैं, वो अब हमें कहाँ पे करना है। अब हमें रिटर्न करवाना है, यहाँ पे रिटर्न किसको करवाएंगे, हम व्यू को डायरेक्ट नहीं करवाएंगे, बिकॉज ऑफ उसको रिटर्न टाइप है व्यू डेटा। तो हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है न्यू व्यू डेटा, और व्यू डेटा को क्या चाहिए, व्यू, तो हमें यहाँ पे व्यू पैरामीटर की तरह पास ऑन करना है। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर की तरह व्यू को पास ऑन कर दिया, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं आईडी बाइंडिंग। तो सबसे पहला मैं मेरा व्यू जो है जनरेट करवा लेता हूँ, मुझे व्यू बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेआउट के अंदर राइट क्लिक करके न्यू, और न्यू के अंदर जाके मुझे मेरी आइटम फाइल जो है मुझे बनानी होगी, उसका नाम मैं रखने वाला हूँ आइटम, बिकॉज ऑफ मैंने पहले ही यहाँ पे आइटम की तरह डिक्लेयर कर दिया। तो अब आपको जैसा भी व्यू बनाना है वो आप डिक्लेरेशन यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कर लेता हूँ लिनियर, यहाँ पे कर देता हूँ 50 dp, मैं साइज रखना था तो या फिर 100 dp, और कार्ड व्यू लेना चाहते हो तो आप कार्ड व्यू भी ले सकते हो, उसका यूज मार्जिन में कॉमनली थोड़े से डिफाइन कर देता हूँ 10 dp, और यूज कॉम्पैक्ट कोडिंग यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, और कॉर्नर रेडियस भी थोड़ी सी मैं यहाँ पे
उसको पास ऑन कर देता हूँ, और उसी के साथ साथ उसका मैं जो बैकग्राउंड कलर है, कलर कार्ड कलर, तो वाइट ही मैं बाई डिफॉल्ट डिफाइन करूँगा, और उसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ लीनियर, और लीनियर के अंदर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट फिगर, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे मेचोन मेचोन और ग्रेविटी सेंटर प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ पे फिगर आउट कर देता हूँ सेंटर, और उसके अंदर मैं यहाँ पे कॉमन डेमो टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ कि जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेमो। अब डेमो की साइज मुझे बड़ी करनी है, तो यहाँ पे कर लेता हूँ साइज 520, और साथ ही साथ मैं उसकी टेक्स्ट जो है कलर, उसका भी कलर मैं देना चाहता हूँ ब्लैक। तो मुझे सिटी का नाम इस तरह से कुछ देने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेरा व्यू जो आपको पता ही है किस तरह से बनाना है, साथ ही साथ मैं आईडी दे देता हूँ txt आइटम की तरह मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब ये हो जाने के बाद मुझे आईडी बाइंड करनी है, तो सबसे पहली चीज हम आईडी बाइंड गेट व्यू के अंदर ही करते थे, बट यहाँ पे गेट व्यू अवेलेबल नहीं है, तो हमने हमारा व्यू पास ऑन किया है व्यू डेटा। तो अब जो भी हम आईडी बाइंड करने वाले हैं वो हम करेंगे व्यू डेटा के अंदर, तो यहाँ पे ले लेता हूँ आइटम व्यू, बिकॉज ऑफ मुझे आइटम की तरह मिल रही है, और फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे लिखना है आर डॉट आईडी डॉट जो भी आपके आइटम। अब इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे मैं ग्लोबल ले लेता हूँ। खास करके याद रखना है एक चीज, ग्लोबल आपको फुल्ली ग्लोबल नहीं बनाना है, आपको अपने क्लास में ग्लोबल बनाना है, मतलब कि व्यू डेटा के अंदर मैंने क्या बना लिया है टीएक्सटी को ग्लोबल। अब व्यू डेटा में मुझे डेटा सेट करवाना है, तो डेटा वही सेट होगा जहाँ पे आपकी पोजिशन होगी, जैसे कि मुझे पोजिशन मिल रही है बाइंड के व्यू के अंदर। अब मेरी टेक्स्ट व्यू को मुझे सेट करवाना है, तो टीएक्सटी आइटम नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं लिखूंगा टीएक्सटी आइटम बिकॉज ऑफ एरर होगी, बिकॉज उसको नहीं पता है कि टीएक्सटी आइटम कहाँ है, क्योंकि इश्यू है कि जो हमने डिक्लेयर किया वो क्लास है, क्लास के अंदर चीज हो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो मुझे व्यू डेटा का क्या बनाना होगा, एक ऑब्जेक्ट वहां पे भी उसका डॉट करके ही मैं क्या यूज कर पाऊंगा टेक्स्ट में। तो ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा है मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, व्यू डेटा का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है होल्डर, तो अब मुझे क्या लिखना है होल्डर डॉट, जैसे मैं यहाँ पे होल्डर डॉट लिखूंगा मुझे टीएक्सटी आइटम मिल रही है, वहां पे सेट टेक्स्ट कर दूंगा सेट टेक्स्ट, और वहां पे मुझे टेक्स्ट सेट करना है, टेक्स्ट से सिटी के अंदर, पर पूरा सिटी नहीं सेट करवा पाऊंगा इसलिए यहाँ पे ले लेता हूँ पोजिशन। तो ये जो है मेरा एडाप्टर हो चुका है कंप्लीट, खास करके याद रखना है एडाप्टर किस तरह से बनाना है। अब मुझे एडाप्टर सेट ऑन करना है रिसाइकल व्यू के अंदर, तो हमें कॉमन ही खबर है कि रिसाइकल व्यू के अंदर सेटअप करता है आरवी व्यू डॉट सेट एडाप्टर, उसके अंदर एडाप्टर, तो ये हो गया रिसाइकल यू कंप्लीट। बट जैसे ही अभी मैं रन करवाऊंगा तो रिसाइकल यू के अंदर कुछ भी हमें डेटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसाइकल यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटेशन है, डिफरेंटेशन इसलिए बिकॉज ऑफ लिस्ट व्यू का मतलब क्या था, एक कॉमन लिस्ट कॉलन बना के देगा। अगर मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू लिखू तो ग्रिड व्यू का मतलब क्या था, आपको मल्टीपल व्यू बना के मल्टीपल कॉलन बना के देगा, तो दोनों का काम एक रिसाइकल व्यू कर लेता है, रिसाइकल व्यू ग्रिड व्यू भी बना लेता है, रिसाइकल व्यू लिस्ट व्यू भी बना लेता है। तो सबसे पहले आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा लेआउट मैनेज करना चाहते हो, या फिर लिस्ट व्यू या फिर ग्रिड व्यू, तो उसे बोला जाता है लेआउट मैनेजर। तो यहाँ पे ले लेता हूँ लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट, उसका नाम दे लेता हूँ LM इज इक्वल टू, हमें लेना है न्यू लिनियर, लिनियर मतलब कि लिस्ट व्यू, और यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैनेजर लोगे तो ग्रिड व्यू बना के देगा, तो मैं यहाँ पे लिनियर और यहाँ पे दे देता हूँ दिस, तो वो मुझे क्या देगा कॉलम के अंदर मुझे व्यू बना के देगा, और वो मुझे आरवी को भी देना पड़ेगा आरवी व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे देना होगा LM। अब जाके मैं रन करवाऊंगा तो मेरा आंसर कम्प्लीटली मुझे देखने को मिलेगा। तो ये हो गया मेरा रिसाइकल व्यू, खास तरीके से आपको पता होना चाहिए, रन करवा लेते इसे, देखते हैं आंसर क्या हमें मिल जाता है, वेट करते हैं जब तक हमारा रन नहीं होता तब तक। तो किस तरह से रिसाइकल व्यू डिजाइन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपका रिसाइकल व्यू जो बन के आ चुका है, मैंने बोला था कि जैसा हमें ग्रिड व्यू या फिर लिस्ट व्यू में देखने को मिल रहा है वैसा ही देखने को मिलेगा। अब जो यहाँ पे व्यू है वो रिप्रेसेबल है, अभी हमारे पास मान लीजिए कि 10 डेटा है, बट यहाँ पे अभी कितना डेटा कितनी आइटम शो हो रही है, तो जैसे हम इम्यूलेटर में शो करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5,
कॉमनली मुझे मेरा जो रिसाइकल है 5 आइटम ही बना के दे रहा है, बिकॉज ऑफ मेरी मोबाइल की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी आइटम शो करवा सके, 5। अगर आप यहाँ पे 10,000 डेटा भी अवेलेबल करोगे तो वो भी कितनी आइटम ही बनाएगा, 5। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो तो वो क्या करता है, रिसाइकल करता है, मतलब कि इसको ऊपर जाते डिस्ट्रॉय कर देगा और वही आइटम को नीचे जाके फिर से न्यू डेटा दे देगा। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ऊपर जैसे गई तो वही आइटम मुझे यहाँ पे यूपी के तौर पे मिल गई, जैसे कि पुणे जाएगा तो वही आइटम मुझे कश्मीर के तौर पे मिल गई। तो यहाँ पे सिंपल 5 आइटम ही बन के मुझे मिले, और उसके बजाय मैं रिसाइकल व्यू के अंदर काम, लिस्ट व्यू के अंदर काम करता तो सभी आइटम अपना अपना खुद का व्यू बना के लिए, जैसे कि ये स्मूथली काम करता है, यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज ऑफ आइटम रिसाइकल हो रही है, ओनली फॉर 5 आइटम ही बनी हुई। तो ये रिसाइकल करने के लिए किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे रिसाइकल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, बट बैकएंड वर्क जो होता है, कंज्यूमिंग टाइम होता है, वो कम हो जाता है, यहाँ पे स्मूथली वर्कआउट करता है एज कम्पेयर टू लिस्ट व्यू। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे रिसाइकल करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी आप बड़ी सी एप्लीकेशन देख रहे हो या फिर बड़ी एप्लीकेशन बनाने वाले हो, तो वहाँ पे हमें रिसाइकल व्यू की पहले रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि एंड्रॉयड के अंदर ज़्यादातर जो भी लिस्ट है वो रिसाइकल व्यू से ही बने हुए थे। इसको ही मैं ग्रिड की तरह शो आउट करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे आप ग्रिड भी बना सकते हो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, लेआउट मैनेजर में ग्रिड, अब जैसे ही ग्रिड किया तो मुझे यहाँ पे यह भी बताना पड़ेगा अभी कितनी ग्रिड बनानी है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ 2, तो कॉमनली मुझे 2 ग्रिड मिल जाएगी, यहाँ पे 3 लिखूंगा तो मुझे 3 ग्रिड मिल जाएगी। सेव करता हूँ, रन करवाता हूँ, देखते हैं 3 ग्रिड मुझे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 3 ग्रिड मिल गई है, मेरा व्यू है जो 3 ग्रिड के अंदर कम्प्लीटली दिख रहा है। तो इस तरह से आप क्या करवा सकते हो, इस तरह से आप कम्प्लीटली रिसाइकल व्यू डेवलप करवा सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि रिसाइकल व्यू किस तरह से बनता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से एडाप्टर काम करता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से रिसाइकल व्यू का और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक।